फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनाफोर्टान टैबलेट के यूज के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एनाफोर्टान की सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ एनाफोर्टान टैबलेट। कैमिलोफीन 25 mg होता है, पैरासिटामोल 300 mg होता है। मार्केटेड बाय एबॉट फार्मास्यूटिकल, यह एबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है या इसका मार्केटिंग एबॉट फार्मास्यूटिकल करती है। स्टोरेज के निर्देश, स्टोर बिलो 30°C। सर, इसकी एमआरपी मार्केट में 91 रुपये 20 पैसे समथिंग है। एनाफोर्टान 25 mg 300 mg टैबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। एनाफोर्टान को हमें लेने से पहले या तो आप भोजन किए हैं, यानी कि डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट किए हैं या नहीं किए हैं, तो इसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है, आप इसे कभी भी ले सकते हो। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। आपका जो रिस्पॉन्स होगा, आपकी बॉडी जो रिएक्ट करेगी, उसके अनुसार डॉक्टर डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में एनाफोर्टान लेना है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें, यानी कि जो डॉक्टर आपको एक टाइम पीरियड बता रहे हैं उसी के आसपास, यानी कि उनके अनुसार ही इस दवा का सेवन करें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं, यानी कि अगर आप बिना डॉक्टर के को इन्फॉर्म किए अगर इलाज को रोक दे रहे हैं, तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है पेट दर्द का वो वापस आ सकता है और आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। दोस्तों, अपनी हेल्थ केयर टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वह दवाएं इस दवा को प्रभावित या इसके प्रभावित हो सकती है। आपको लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं या गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराक पर्ची पर लिख सकें। आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराक पर्ची पर लिख सकें। ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, एनाफोर्टान टैबलेट का इस्तेमाल पेट दर्द में किया जाता है। एनाफोर्टान 25 mg और 300 mg टैबलेट पेट और आंत यानी कॉट में अचानक मांसपेशियों में ऐंठन या संकुचन से असरदार ढंग से राहत देता है। यानी अगर आपके पेट में ऐंठन हो रही है या संकुचन हो रहा है, तो हम एनाफोर्टान का यूज कर सकते हैं, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और भोजन पाचन में सुधार होता है। यह मस्तिष्क में उन केमिकल मैसेंजर को भी ब्लॉक करता है जो दर्द की अनुभूति के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह पेट में दर्द, स्टमक पेन और मरोड़, पेट फूलना और असुविधा के इलाज में मदद करता है। अधिकतम फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताए निर्देशों के अनुसार ही लें। आखिरकार, यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में अधिक आसानी से जानने में, बेहतर अधिक सक्रिय जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद करेगा। एनाफोर्टान के सामान्य साइड इफेक्ट्स क्या है? मुंह में सूखापन यानी कि ड्राई माउथ, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, दुधली नजर यानी कि जो विजन्स होती है, ब्लर विजन्स कह सकते हो, हृदय गति का बढ़ना यानी कि आपकी पल्स रेट बढ़ना, यह कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं।